Good afternoon to all the participants. It is a humble pleasure and looking forward for this session. Ek presentation hai that will talk about Drillbit plagiarism detecting software. We will see the user profile, the administrator profile, and at the same time UGC guidelines. Because some technical issues शुरू से है, at any given time अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, please connect with अभ्यास जी so that हमारा precious time delay ना हो. Drillbit plagiarism detecting software is made in India product, made for India product. तो जो इसके जो features है ना, बहुत custom made for our Indian requirement and at the same time it is very compatible to the all the premium resources that you can talk about. So I am Dr. Nikita Vanjari. I welcome you all. Plagiarism in general, when we talk about plagiarism, how do we avoid that? The best way to avoid plagiarism is by using plagiarism detecting software. Secondly, by writing in our own language. थर्डली बाय गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर. तो अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर रहे हैं देन प्लेगरिज्म का कोई दिक्कत नहीं होता. फिर अगर आप आपकी थीसिस लिख रहे हो या आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट या इंटरनल असाइनमेंट्स भी क्यों ना हो, दिस स्टेप मस्ट बी फॉलोड. Because otherwise, it is a very serious academic offense. And as per the UGC guidelines of 2018 के हिसाब से ड्रिल बिट बनाया गया है और उस हिसाब से ही पेनल्टीज भी होती है टू द लेवल ऑफ प्लेगरिज्म. 0, 1, 2, 3 इस तरह के लेवल है एंड उस हिसाब से पेनल्टीज है. ड्रिल बिट लेटेस्ट एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी पे है. So, जब हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं से या पूरी तरीके से अपने शब्दों में नहीं लिखते, पैराफ्रेज करते हैं, उस वक्त एक तरह का मैचिंग एल्गोरिदम होता है. मैचिंग एल्गोरिदम, सिमिलैरिटीज, मैनिपुलेशन और इरेगुलैरिटीज, ये सब को डिटेक्ट करने का काम एआई और मशीन लर्निंग का है. इसलिए हम कहते हैं अपने शब्दों में लिखिए और रेफरेंस में उन्हें क्रेडिट दीजिए ताकि उनके साइटेशन पे उसका इन्फ्लुएंस हो. द ओरिजिनल जिसका काम है उसे उसका क्रेडिट मिल सके. इन साइंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओरिजिनैलिटी, एकेडमिक इंटीग्रिटी. वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. ड्रिलबिट को रिसेंटली AICTE नीट का असेसमेंट भी मिला है, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग फॉर अस. एंड वी हैव मेंटेन दैट ऑन अवर वेबसाइट. आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं इसको. साथ ही साथ UGC ने रिसेंटली बैंगलोर यूनिवर्सिटी और सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को रिकमेंड किया है द यूज ऑफ ड्रिलबिट फॉर प्लेगरिज्म डिटेक्शन. अंडर शोध शुद्धि प्रोग्राम 1100 ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ये रिसोर्स यूज कर रहे हैं फॉर एनहैंसिंग द रिसर्च क्वालिटी. सो दिस इज हाउ आई मस्ट से कि यू ड्रिलबिट का एवरीवेयर इट हैज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन प्लेगरिज्म डिटेक्शन. आप शोध शुद्धि की वेबसाइट पे अगर इन्फ्लिपनेट के अगर आप यूजर्स हैं एंड यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद अस, देन आपको शोध शुद्धि के वेबसाइट पे वहाँ पे बिलो दिस यू विल फाइंड द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एज वेल. और एट द सेम टाइम द रीसेंट जितना भी यूटिलाइजेशन होता है वो सारा अपडेट समरी एट ग्लैंस, और वो आप देख सकते हैं कितने रिसोर्स ओवरऑल यूज किए जा रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कंसर्न अबाउट द ऑथेंटिसिटी, द प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन. सो वी हैव सर्टिफिकेशन टू क्लैरिफाई दोज. हमारे पास IAS, SOC, GDPR सर्टिफिकेशन है कि आपका कोई भी अनपब्लिश्ड डेटा विच इज़ वेरी प्रेशियस, वो कहीं भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इट विल बी देयर ऑन द इंटरनेट. आपका बहुत प्रोटेक्टेड है वो डेटा. आवर कंटेंट कवरेज इज अपडेटेड डेली एंड ह्यूज कंटेंट कवरेज है. सो आप जो भी चेक करना चाहते हैं आई एम श्योर उससे रिलेटेबल कॉन्टेंट आपको इस कवरेज के थ्रू डेफिनेटली मिलेगा. बिकॉज वी हैव 95+ बिलियन वेब पेजेस, मैनी थीसिस एंड डिजर्टेशन इन आवर रिपॉजिटरी,
ओवरऑल जो डेटाबेस में थीसिस एंड डिसर्टेशन है वो है 50+ मिलियन, एंड रीजनल लैंग्वेज में हमारा बहुत ज्यादा प्रीमियम कवरेज है. वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिशर्स हाइब्रिड ओपन एक्सेस एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स एंड पब्लिशर्स आपको हमारे डेटाबेस में मिलेंगे. सो दिस गिव्स यू दैट एक्यूरेसी इन दी रिपोर्ट. की फीचर्स हम ऑनलाइन डेमो में देखेंगे. न्यू फीचर्स हमने ऐड किया है AI. जनरली व्हाट वी डू, कंप्लीटली कॉपी पेस्ट हो जाता है कहीं से भी. अगर आप AI से कर रहे हो या इंटरनेट से कर रहे हो वो एथिकल नहीं है. AI का आप सपोर्ट ले सकते हो पर कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है. क्रॉस चेक करना है कि वो सही बता रहे हैं कि नहीं. पूरा पूरा उसकी जांच पड़ताल करके फिर वो टेक्स्ट यूज करना है अपने शब्दों में. अगर ऐसा नहीं होता तो वी हैव दिस फीचर जिससे AI का कितना आपने यूज किया है दैट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस रिफ्लेक्टेड. वर्ड एड इन सपोर्ट, वी ऑल राइट अवर प्रोजेक्ट थीसिस इन वर्ड. तो ऊपर में आप एड इन का ऑप्शन जब सर्च करेंगे, एड इन से स्टोर पे जाएंगे, स्टोर से इट विल टेक यू टू ड्रिल बिट. ड्रिल बिट अगर आप लॉग इन कर लोगे तो साइड बाय साइड आफ्टर राइटिंग सम पेजेस ऑफ योर प्रोजेक्ट ऑफ योर थीसिस साइमल्टेनियसली विद वन क्लिक यू कैन चेक योर रिजल्ट एंड गेट द रिजल्ट, रेक्टिफाई इट एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स वेरी इजी. मोस्ट ऑफ द टाइम फैकल्टीज आर बिजी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड नैक एक्रेडिटेशन, तो यू कैन डायरेक्टली ईमेल टू अस फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी टू एनालिसिस एट ड्रिलबिट प्लेगरिज्म डॉट कॉम, एनालिसिस एट ड्रिलबिट प्लेगरिज्म डॉट कॉम. तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम आपको रिजल्ट बता देते हैं कि इसका ये रिजल्ट है. रीजनल लैंग्वेज का जो 15 इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस कवर्ड होते हैं फ्रॉम आसामी, सिंधी, संतली, मराठी, तो इसका भी ह्यूज शोध गंगा की जो थीसीज है रीजनल लैंग्वेज की उसका हमारे पास ह्यूज कवरेज है. मेजर कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब वी हैव एट एनी गिवन टाइम. आपको कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो, इवन आप जब यूज कर रहे हैं ये पर्टिकुलर रिसोर्स और आपको तभी भी कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी हो, आप यहाँ पे हमें कनेक्ट कर. यही इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे भी आपको मिलेगी. सो ये है, अब हम जाएंगे हमारी जो वेबसाइट को चेक करने के लिए. इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन का लॉग इन एंड यूजर का लॉग इन आपको मिलेगा. साथ ही साथ वी विल कवर द UGC गाइडलाइंस एज वेल. और वही जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपने हम अभी प्रेजेंटेशन में हमने कवर किया है, वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको हमारे डायरेक्टली आप होम पेज पे जब जाते हो ना तो यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. सो यू कैन जस्ट गो डाउन एंड यू विल सी ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. सो हमारे जो यूजर्स है, अगर कोई रिसर्च स्कॉलर्स या स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत आती है ना, यू कैन कनेक्ट विद अस. दिस इज आवर ईमेल आईडी ऑफ अवर टू ऑफिसेस फॉर ड्रिल बिट. हियर ऑल्सो यू कैन टाइप थ्रू व्हाट्सएप, ऑल्सो हमारी टीम आपको कनेक्ट करती है. होम पेज में फर्स्टली वी गो टू द होम पेज. होम पेज कवर्स मोर और लेस ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमने प्रेजेंटेशन में डिस्कस की है. इट विल टॉक अबाउट हमारे जो डेमो के लिए है, असेसमेंट है, देन इट विल टॉक अबाउट दी स्टैटिस्टिक एंड आवर सर्टिफिकेशन. प्रोडक्ट्स में फ्रॉम वेयर यू आर परचेसिंग दिस पर्टिकुलर रिसोर्स. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देयर सम बैकग्राउंड नॉइस. फ्रॉम वेर एवर यू आर परचेसिंग दिस रिसोर्स, आपको वहां से उसका रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट आर द यूजर्स यू कैन यूटिलाइज, व्हाट आर दी अलॉटमेंट प्रोडक्ट्स, आप कितने आपके डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो, वो एट द टाइम ऑफ योर परचेस वो आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा एंड इट विल बी शेयर्ड विद द एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट की जो डिटेल्स है वो बहुत इनिशियली आपको प्रोवाइड हो जाते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल परचेसिंग पीरियड. एडमिनिस्ट्रेटर को यूजर प्रोफाइल क्रिएट करना होता है विद वेरी बेसिक स्टेप्स, दैट ऑल्सो वी विल टॉक. इंटीग्रेशन, अगर लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स में इफ यू वॉन्ट टू इंटीग्रेट दिस सॉफ्टवेयर, आप अगर यूज करते हो मूडल, ब्लैक बोर्ड, देयर ऑल्सो यू कैन इंटीग्रेट. सपोर्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यूजर गाइड्स, नॉट ओनली PDF, वी ऑल्सो हैव वीडियो ट्यूटोरियल्स. हमारा यूट्यूब पेज भी है जहाँ पे आपको जो वीडियोज है वो वहाँ पर भी कवर हुए हैं, सो दैट हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और हमारे यूजर दोनों को जो वीडियोज है उसमें कवर कर सकते हैं अबाउट हाउ टू लॉग इन, हाउ टू चेक,
how to integrate in learning management software platforms. So that is all covered. Contact information we have seen. Whatever is covered above, our logo, our website information, drillbitplagiarism.com. आप जब बिलो जाते हो, दैट इज कवर्ड हियर एज वेल एट द बॉटम. सर्टिफिकेशन आर ऑल्सो मेंशन. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. बाई क्लिकिंग ऑन गेट स्टार्टेड, यहां से एडमिनिस्ट्रेटर एंड द यूजर कैन लॉग इन. सो दिस इज योर यूजर नेम एंड योर पासवर्ड. क्लाउड बेस्ड रिसोर्स है, इसका मतलब एनी वन हु हैज द यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन लॉग इन फ्रॉम एनी वेयर. तो यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल पुट इन करना है. एट एनी गिवन टाइम आप भूल चुके हैं, सो यू कैन रिट्रीव फ्रॉम हियर. आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन. सो दिस इज हाउ माय यूजर जो प्रोफाइल है वो लगेगा. यूजर प्रोफाइल, दिस इज माय नेम. अब ये यूजर कौन है एंड एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो कोऑर्डिनेटर है, जिनके पास इस पर्टिकुलर रिसोर्स का कंट्रोल है. यूजर, फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर ने यूजर बनाए हैं, फैकल्टीज, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट्स, वो यूजर कहलाते हैं. तो आप देखिए, आपका लोगो, मेन्यू कवर्स, डैशबोर्ड, माय फोल्डर्स, रिपोजिटरी, सेटिंग. यूजर का जहां पे आप नाम देखोगे, यहाँ पे यूजर का नेम, स्विच टू एडमिन. नाउ दिस इज अ डेमो अकाउंट, इसीलिए यहाँ पे स्विच टू एडमिन आ रहा है. यूजर को स्विच टू एडमिन नहीं आएगा. फ्रॉम देयर नेम डायरेक्टली अकाउंट इन्फो. इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको बेसिकली आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है. कितने डॉक्यूमेंट्स आपको अलॉटेड है, कितने आपने सबमिट किए हैं, अलॉटमेंट में से कितने यूज किए हैं, कितने आपने आपकी रिपोजिटरी में सेव किया है. तो जो एंड यूजर है उसका एक एनालिसिस आपको यहाँ मिलता है. इस स्पेस में एडमिनिस्ट्रेटर जब लोगो ऐड करते हैं ना, तो इस स्पेस में वो विजिबल होता है. तो ये स्पेस लोगो के लिए है. बिलो दिस आपका पीडीएफ एंड वीडियोस आर अवेलेबल. सो आपके रिक्वायरमेंट के लिए पीडीएफ और वीडियोस, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. तो यू कैन जस्ट चेक आउट दिस. चेंज पासवर्ड. नाउ लेट्स गो टू द डैशबोर्ड. मेन्यू कवर्स एज आई सेड डैशबोर्ड. तो डैशबोर्ड इज अगेन एंड यूजर का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. अब ये मेरा प्रोफाइल है, हाउ आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, सो उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है. फोल्डर, हाउ मैनी फोल्डर्स आई हैव क्रिएटेड एंड दिस इज माई एंटायर सबमिशन. इतने मुझे अलॉट किए हैं एडमिनिस्ट्रेटर ने, उसमें से मैंने कितने इस्तेमाल किए हैं. रिसेंटली वॉट इज माई वर्क, सबमिशन मंथली. मेरा काम फ्रॉम द पब्लिश्ड वर्क कितना सिमिलर लग रहा है, तो दैट पाई चार्ट इज अवेलेबल हियर. डॉक्यूमेंट टाइप्स, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे मैं काम कर रही हूँ. प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ये आपको ऐड करना पड़ता है वाइल क्रिएटिंग द फोल्डर एंड वाइल एनालिसिस. दिस इज द एरिया जहाँ पे आप आपका जो पर्टिकुलर सिमिलैरिटी रिपोर्ट है या कोई भी कॉन्टेक्स्ट है प्लेगरिज्म के लिए, जो इवैल्यूएशन होता है यहाँ पर होता है. रिपोजिटरी में जब आप एंड में कोई भी चीज सेव करते हो एज ए यूजर, दैट गोज टू द रिपोजिटरी. सो अगर आपका थीसीज फाइनल हो गया है तो आप रिपोजिटरी में सेव कर सकते हो. दिस विल हेल्प यू हेल्प अदर्स इन एज अ डेटाबेस. योर कंटेंट विल बी यूटिलाइज्ड एज अ डेटाबेस. सो विश्व भारती में यहाँ पे ये काम हो चुका है. सिमिलर तरह का अगर कहीं और काम हो रहा है तो आपकी रिपोजिटरी का उनको इंटीमेशन आ जाएगा. यूजर रिपोजिटरी में से एक क्लिक डिलीट भी कर सकते हैं. तो यूजर भी डिलीट कर सकते हैं और एडमिन भी डिलीट कर सकते हैं. अब मैंने डिलीट कर दिया, पर इवन आफ्टर द कमांड अगर आपको लग रहा है कि वो डिलीट नहीं हुआ है, तो यू कैन क्विकली रिफ्रेश या क्लिक इट वंस अगेन. सो इट दिस पेपर इज नॉट अवेलेबल. अब मैं रिफ्रेश करूंगी, सो इट वोंट बी अवेलेबल. सो कमांड देने के बाद आप पेज रिफ्रेश कर लीजिए, रीलोड कर दीजिए, इट विल नॉट बी अवेलेबल. इन सेटिंग्स रिसेंटली वी हैव एडेड दिस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. सो दिस इज अ टू स्टेप वेरिफिकेशन. तो ये हमने रिसेंटली ऐड किया है. नाउ एज अ यूजर, द मेन यूजर प्रोफाइल में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो है इवेल्युएशन का. द फर्स्ट स्टेप इन इवेल्युएशन इज टू क्रिएट द फोल्डर्स. फोल्डर आप आपकी सहूलियत के हिसाब से अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो. अब आप जितने क्रिएट करना चाहोगे, डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपके ऊपर है. इसके अंदर जो आप इवैल्यूएशन के लिए सबमिट करते हो, दैट इज रेगुलेटेड.
तो जितने आपको अलॉट किया है एडमिनिस्ट्रेटर ने, उतने आपको उस हिसाब से आपको यूज करना है। ये एडिट का इंफॉर्मेशन है। बाय क्रिएटिंग फोल्डर देर आर सर्टन सेटिंग्स, वो सेटिंग्स आप यहाँ से बाद में भी एडिट कर सकते हैं। फोल्डर डिलीट करने का ऑप्शन। नाउ लेट्स क्रिएट द फोल्डर टुगेदर। आप देख सकते हैं क्रिएट करते समय ये एक क्रिएशन का ऑप्शन है, उसके ऊपर देर आर टू व्यूज। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो व्यू इस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए वो चूज करिए। मल्टीपल फोल्डर्स बहुत क्रिएट हो जाते हैं, तो एनी टाइम डायरेक्टली आपको अगर फोल्डर सर्च करना है, मेरे तो पांच ही है सो इट इज विजिबल। ज्यादा फोल्डर्स हो जाए तो यू कैन दिस सर्च इंजिन फॉर फिगरिंग आउट द फोल्डर्स। नाउ एज आई सेड लेट्स क्रिएट अ फोल्डर टुगेदर। फोल्डर क्रिएट करते समय आई एम गिविंग इट अ नेम। अब आप देखिए देर आर सर्टन क्राइटेरियाज एक्सक्लूजन्स, दिस इज एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस ऑफ 2018। गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है, इसीलिए हमें यूजीसी का रिकमेंडेशन भी मिलता है। एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन मेंशनड इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हैज बीन टेकन वेरी सीरियसली इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी हो या जो सेटिंग्स है वो सारी ड्रिलबिट में फॉलो की जाती है। एकेडमिक इंटीग्रिटी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, हु इज द ऑथर, एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लेगरिज्म इज मेंशनड इन दिस डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ जो एक्सक्लूजन जो है, जो मैं सेटिंग्स का आपको बात कर रही थी, वो यहाँ पर आता है। वॉट कैन बी एक्सक्लूड, कोटेड वर्क, रेफरेंसेज, जेनेरिक टर्म्स, लॉ के टर्म्स, जो एक्सक्लूड आप कर सकते हो ताकि आपको राइट सिमिलैरिटी परसेंटेज मिले। साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन किया है 14 कंसेक्यूटिव वर्ड्स। अगर 14 कंसेक्यूटिव वर्ड्स है वो अकाउंट करते हैं थीसीस में सिमिलैरिटी परसेंटेज में, और 5 कंसेक्यूटिव वर्ड्स जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है वो अकाउंट करती है सिमिलैरिटी के लिए इन पब्लिशिंग और आर्टिकल्स। तो ये एक डिफरेंस है, 14 कंसेक्यूटिव वर्ड फॉर थीसिस, 5 डिफॉल्ट सेटिंग्स। यू कैन यूज दिस सेटिंग्स व्हेन यू आर गोइंग टू पब्लिश एनी कंटेंट। लेवल ऑफ प्लेगरिज्म, हमारा गोल एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस 0 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नो पेनल्टी। 0 मीन्स अप टू 10% इज नो पेनल्टी। 1, 2, 3 रहा उस हिसाब से देयर विल बी पेनल्टीज। सो वाई इट इज वेरी टेकन वेरी सीरियसली इज बिकॉज द पेनल्टीज आर वेरी सीरियस। शैल नॉट बी अलाउड टू सुपरवाइज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। सो दीज आर वेरी ह्यूज पेनल्टीज। दैट्स वाई प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करना बहुत जरूरी है। यू कैन एक्सक्लूड दिस इंफॉर्मेशन। रेफरेंस मियर इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड, एक तरह का फॉर्मेट है MLA APA, यू कैन एक्सक्लूड। यूजीसी के गाइडलाइंस है, आपके विद्यालय के क्या गाइडलाइंस है वो सारे को ध्यान रख के आप एक सेटिंग्स कर लीजिए एंड देन चेक द प्लेगरिज्म, देन चेक द प्लेगरिज्म बाय द सिमिलैरिटी रिपोर्ट। एक्सक्लूड कोट्स, कोई भी चीज आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, एक वर्ड, 2 लाइंस, दैट कैन बी एक्सक्लूडेड। कई कवार हमारे यूनिवर्सिटी का एड्रेस, कुछ टर्म्स होते हैं जो बहुत मैंडेटरी होते हैं, दैट यू कैन मेंशन इन दिस एक्सक्लूड कोट। अप टू 15% ही अलाउड है, 15% से ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट में अलर्ट आ जाएगा। स्मॉल सोर्सेस यस करिए तो 14 कंसेक्यूटिव वर्ड्स को पकड़ा जाएगा, नो करेंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग में 5 को पकड़ा जाएगा। दोनों सेटिंग से फर्क पड़ता है आपके रिजल्ट पे, दैट वी विल सी। ग्रामर चेक का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो अवेलेबल होगा, ये एडिशनल है। एक्सक्लूड फ्रेजेस, बहुत बार कोई फॉर्मूला, कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम हमें पता है किसी और शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, सो यू कैन मेंशन हियर अप टू 15। यहाँ पे भी 15 तक के फ्रेजेस आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। डेटाबेस जब आप करते हो तो आप सबको यस रखिए एंड देन सबमिट एंड क्रिएट योर फोल्डर। विद वन क्लिक आपके फोल्डर क्रिएट हो गया, आप डिलीट कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो, नथिंग इज सबमिटेड। अब आपको सबमिट करना है। अगेन ऑन द प्लस आइकन, रीजनल लैंग्वेज है तो आपका हिंदी, इंग्लिश को छोड़कर नॉन इंग्लिश में आता है वियतनामीज आउटसाइड इंडिया। रीजनल में 15 जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, OCR का जो टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन का जो टेक्नोलॉजी है, वो आपके 3000 जो फॉन्ट है ना रीजनल लैंग्वेज की, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन यूनिकोड फॉर्मेट फॉर इवेल्युएशन। वहां थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। अब आप सिलेक्ट कर लीजिए आपका लैंग्वेज। वंस यू सिलेक्ट द लैंग्वेज देर आर 4 वेज टू अपलोड।
तो यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स, पीडीएफ, डीओसी, टीएक्सटी, नो प्रॉब्लम। लेंथ होनी चाहिए पेजेस का जो लिमिट है वो 800 एट ए टाइम। नेक्स्ट टाइम आप अगेन करिए तो लिमिट पेजेस की इतनी है, 15 फाइल्स करेंगे, 15 रिजल्ट सेपरेटली फ्रॉम गूगल ड्राइव यू कैन डू द सेम। जिप में 15 से ज्यादा 100 तक की फाइल्स है तो आप यहाँ से करिए। एनीथिंग यू हैव रिटन फ्रॉम योर हैंड दैट यू कैन स्कैन इन अ पीडीएफ एंड देन इवेलुएट फॉर सिमिलैरिटी। अब हम अपलोड करते हैं फॉर इवेलुएशन, ब्राउज करना है फाइल को यहाँ से। सो वन क्लिक एंड देन पीडीएफ है, वर्ड है, नो प्रॉब्लम। यू जस्ट सिलेक्ट योर फाइल। आप फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आपको कुछ आपको यहाँ पे फिल करना है, बिकॉज द मोर क्लियर यू फिल दिस द मोर यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि आपने आज चेक कर लिया तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि ये बहुत सीरियसली प्रॉपर तरीके से फिल करना चाहिए, सो दैट आफ्टर अ मंथ्स और 2 मंथ्स यू जस्ट नो कि यू कैन सेपरेट बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स। असाइनमेंट, ये डॉक्यूमेंट टाइप रिफ्लेक्ट होता है आपके डैशबोर्ड में। वंस यू सबमिट, इवेल्युएशन का प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ये जो भी आपने नेम दिया है ये फोल्डर में हमेशा ऐसे ही रहेगा। ओरिजिनल फाइल, जो फाइल आपने अपलोड की है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रामर का सब्सक्रिप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो एनी एंड द प्रोसेस गेट स्टार्टेड। 800 पेजेस का आपका थीसिस है, विच इज अवर मैक्सिमम लिमिट, और इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो 15 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए इन इवेल्युएशन। 15 इज द मैक्सिमम। सो ऑलरेडी ये है एक ऑनलाइन रिपोर्ट, ये है ऑफलाइन, यू कैन डाउनलोड इन पीडीएफ। वेरी इट आई थिंक इट वॉज अ ब्रोशर, सो बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया। सो एज आई सेड, इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन डिलीट दिस पर्टिकुलर फोल्डर राइट अवे, डिलीट। पर जो सबमिशन है ना, आपने अभी जो चेक किया है वो डेफिनेटली आपके अलॉटमेंट में से डिडक्ट हो गया है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। आप जब कर रहे हो चेक तो बहुत एडिट वगैरह अच्छी तरीके से करने के बाद इवेल्युएट कीजिए। नाउ आई हैव इवेल्युएटेड दिस, वी विल चेक द ऑनलाइन रिपोर्ट। बट बिफोर दैट, अभी तक हमारा डॉक्यूमेंट चेक हुआ है, रिपोजिटरी में नहीं गया है। सो रिपोजिटरी में सेव करने के लिए यहाँ से क्लिक कीजिए एंड देन सेव टू द रिपोजिटरी। सो इट इज अ सेकेंड स्टेप। नाउ इट विल गो इन टू द डेटाबेस जो असिस्ट करेगा दूसरों को। नथिंग कैन बी डाउनलोडेड, ओके, नथिंग कैन बी डाउनलोडेड, बस इट विल बी इन द डेटाबेस कि इस तरह का काम आपके विश्वविद्यालय में हुआ है, इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो उस तरह की मदद हो जाएगी। सो दिस इज द टाइटल। नाउ लेट्स क्लिक हियर, और ऑफलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद में क्विकली वी विल सी एडमिन का प्रोफाइल। रिपोर्ट ऑन करने के बाद में दिस इज कॉल्ड सिमिलैरिटी रिपोर्ट, मतलब मैच वर्ड्स अपॉन टोटल वर्ड्स, कितने सारे मैच वर्ड पब्लिश कंटेंट से मैच कर रहे हैं ना, उसका आपको एक रिपोर्ट मिल जाता है। अब एज अ एंड यूजर आपको एनालाइज करना है क्रॉस चेक करके कि प्लेगरिज्म है कि नहीं, एंड ऑल द सेटिंग्स एज पर द यूजीसी एंड एज पर योर इंस्टीट्यूशन मेंटेन किया गया है कि नहीं। अगर मैं मेरा नाम निकिता वंजारी गूगल में सर्च करती हूँ, इट विल गिव मी निकिता वंजारी, रिलेटेबल निकिता वंजारी सब, पर मुझे पता है कि वॉट आई एम लुकिंग फॉर। अलग से भी आएगा निकिता, अलग से भी आएगा वंजारी, प्राइमरी एंड अल्टरनेट सोर्स, एवरीथिंग अक्यूमुलेटेड हियर, प्राइमरी एंड अल्टरनेट सोर्स टू टेक्स्ट मैचिंग। इफ आई क्लिक हियर इट विल टेक मी टू द टेक्स्ट कि ये मैच लग रहा है। सो दिस एल्गोरिदम एआई ने डिटेक्ट किया है। सोर्स टू टेक्स्ट कलर कोऑर्डिनेशन भी है, ऊपर हाइपरलिंक भी आ जाता है, इसको ओपन करने से वो वेब पेज ओपन हो जाएगा जहां से ये मैच लग रहा है। सो इस तरह से अब आप देखिए कुछ लेस देन 1% है। एज पर यूजीसी गाइडलाइन स्मॉल सोर्सेज को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, या आप पब्लिश करना चाहते हो तो एडिट करिए, पर डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। आप इसको एक्सक्लूड करिए, जितना आप इसको एक्सक्लूड करिए ना इतना आपका परसेंटेज रिफ्लेक्ट होगा। अब आप जितना एक्सक्लूड करते जाएंगे उतना आपका परसेंटेज 20 से इट विल रिड्यूस। सो आई हैव टू एक्सक्लूड मोर आई गेस, ताकि ये देखिए 19, व्हाट एवर यू एक्सक्लूड गोज इनटू द एक्सक्लूडेड सेक्शन।
इसको एट एनी गिवन टाइम यू कैन इंक्लूड एज वेल, डिपेंड्स अपॉन ऑल द सेटिंग्स दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ एज पर द गाइडलाइंस. ऑन द अदर एंड आप देखिए डुप्लीकेट फ्रेज का फीचर है, 3 to 14 वर्ड्स. अगर मैं 5 वर्ड्स टाइप करूंगी ना, सबमिट कर दूंगी, तो बहुत बार हमारी थीसिस में रिपीटेशन हो जाता है. सो यू कैन रेक्टिफाई दैट. अगर ये रिपीटेशन हमारे परसेंटेज में ऐड हो रहा है, देन वो भी रिड्यूस हो जाएगा. तो क्या मैं ये सेंटेंस को किसी और तरीके से लिख सकती हूँ? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डुप्लीकेट फ्रेज फीचर. नाउ दिस इज द सेटिंग. फोल्डर बनाते समय जो हमने सेटिंग की थी, यहाँ पे भी हम इसको ओवरव्यू कर सकते हैं. दिस इज अ ऑनलाइन रिपोर्ट. इसमें मैंने कुछ भी कोट में नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल. रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, एक ही रेफरेंस है मेरे पास, ज्यादा मैंने रेफरेंसिंग इस डॉक्यूमेंट में किया नहीं है, सिर्फ एक ही है. सो अगेन यू कैन सी द परसेंटेज हैज चेंज्ड बिकॉज आई चोज नो. नो मतलब 5 वर्ड्स को पकड़ा जा रहा है फॉर सिमिलैरिटी परसेंटेज. अगर मैं यस कर दूंगी तो 14 वर्ड्स को पकड़ा जाएगा. नाउ द परसेंटेज, क्योंकि 14 वर्ड्स को पकड़ा है, लेस देन 14 वर्ड्स, 11% हो गया. So this is how the percentage takes a very vital role. The setting plays a very vital role. जब आप publish करने जाते हो, तो be very cautious कि आप no रखिए इसको. And for thesis you can keep 14. You can download the final report from here. Basic file information जो है, जैसे कि word counts, sentences, that is been mentioned here. From here you can see. प्रिंट थीसिस में अगर आपको प्रिंट करना है दैट दिस थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग, यू कैन प्रिंट दिस. कुछ इंफॉर्मेशन एडिटेबल नहीं है, कुछ एडिटेबल है. जैसे नाम, आपका परसेंटेज, दैट इज नॉट एडिटेबल, बट देन सम इंफॉर्मेशन इज एडिटेबल. आप यहाँ पे आपके गाइडलाइंस अनुसार यूनिवर्सिटी के, इंस्टीट्यूशन के, विश्वविद्यालय के ऐड करके, आप प्रिंट करके यू कैन ऐड टू द थीसिस. रिपोजिटरी में बाहर से भी सेव कर सकते थे. सेकेंड स्टेप जो है, दो तरीके से रिपोजिटरी में जाता है. यहाँ से जब फाइनल हो जाता है ना, तो आपको सेकेंड स्टेप है फॉर द रिपोजिटरी. तो आप यहाँ से कर सकते हो स्कैन करने के लिए. फ्रॉम हियर यू कैन स्कैन एंड शेयर. मल्टीपल ईमेल आप कर सकते हो, एंड यू कैन मल्टीपल ईमेल आप एक टाइम पे सबको सेंड कर सकते हो ये रिपोर्ट. AI जनरेशन का जो है, UGC ने कोई गाइडलाइंस नहीं दी है, पर एज पर दी परसेंटेज एंड द इन्फ्लुएंस की कौन कितना ज्यादा आपने AI का सपोर्ट लिया है, तो ये इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा. जितना ज्यादा परसेंटेज आएगा, उतना ज्यादा AI का सपोर्ट लिया गया, 80-90, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा है कि AI से लिया गया है. सो इस तरह की अब आपने दिया, ये हमारा ऑनलाइन रिपोर्ट था, इसके सारे फीचर्स देख लिए है. और ड्रिलबिट प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर इज फॉर टेक्स्ट, इट इज फॉर वर्ड्स. जो सेटिंग आपने की है फोल्डर बनाते समय, एज पर द UGC एंड योर ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस, अगर आपके रिपोर्ट में इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो है, और इस तरह के टेबल्स है, फॉर्मूलाज है, तो वो अपने आप एक्सक्लूड हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज कंटिन्यूटी ऑफ वर्ड नहीं है वहां पे, तो ये अपने आप एक्सक्लूड हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू गेट द परसेंटेज. So we need to have continuity. अब यही रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं इन अ PDF फॉर्मेट. ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से लगेगी. Few seconds. PDF में आपको वो सारा सेटिंग्स जो आपने ऑनलाइन में फाइनलाइज कर दिया, वो सारा सेटिंग्स, योर नेम, योर रिजल्ट, फ्रॉम वेयर दिस रिजल्ट is being received. तो यहाँ पे जो भी आपको words, journals, publication, everything, I'll take down it slowly. तो ये आपको यहाँ पे easily available है. And the settings. So जो आप settings करते हो वो directly proportional to your result है. तो आपने course exclude किए कि नहीं folder बनाते समय, और ये जो sources है ना, ये बहुत बार ये sources जो 2% है, this sources is nothing, this. तो ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज,
और ये एक परसेंट आता है, तो एज जो भी आपने एक्सक्लूड किया है, बिकॉज जितना एक्सक्लूड करोगे उससे परसेंटेज रिड्यूस होगा ना, तो जो भी आप एक्सक्लूड कर रहे हो वो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन में आएगा। तो आपके विश्वविद्यालय का, आपका इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस हो सकता है कि आप 0 एक्सक्लूड कीजिए, 5% एक्सक्लूड कीजिए, 15% एज पर UGC गाइडलाइंस एक्सक्लूड कीजिए। डिपेंडिंग ऑन दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हियर, स्कैन कोड इज अवेलेबल हियर, एंड बिफोर गेटिंग इन टू द टेक्स्ट आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ग्रेड बी है, अभी भी ए में जाने का स्कोप है। नाउ दिस इज नंबर एंड कलर कोऑर्डिनेटेड, ये हाइपरलिंक भी है, इस पे क्लिक करूंगी तो वो वेब पेज ओपन हो जाएगा जहां से ये लिया गया है। तो अभी ये नंबर और कलर कोऑर्डिनेटेड है, अब आप देख लीजिए टेक्स्ट में मुझे उसको मैच करना है। ये एक्सक्लूडेड सोर्सेज है, तो ये सारे सोर्सेज 2% के लिए अक्यूमुलेटेड हुए हैं। एंड अभी कलर कोऑर्डिनेशन और ये जो नंबरिंग है, मुझे PDF में इसको कंपेयर करना है। सो दिस इज आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन PDF रिपोर्ट। फाइनली व्हाट इज रिमेनिंग, अब ये रिपोजिटरी में गया, अगर ये रिपोजिटरी में से मुझे डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। गिव मी फ्यू मोर मिनट्स, स्विच टू एडमिन, एडमिन के अकाउंट कुछ इस तरह से दिखेगा, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस। यूजर भी कनेक्ट कर सकते हैं एडमिन प्रोफाइल में, क्योंकि कहीं कभार क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए ये एक क्लैरिटी लाएगा। एडमिन प्रोफाइल में भी आप देख सकते हो कुछ सिमिलर टाइप के सेटिंग्स है, डैशबोर्ड, रिपोजिटरी, और ये सेटिंग्स सिमिलर तरीके से काम करते हैं। ऑन द अदर एंड एडमिन का प्रोफाइल है, स्विच टू यूजर, आप एडमिन, एक स्विच टू यूजर का टैब भी उनके पास अवेलेबल होता है। वो खुद से भी कई कबार क्या होते हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स या कोऑर्डिनेटर के पास ही चेकिंग की अथॉरिटी होती है, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अकाउंट इन्फो में एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे अपलोड लोगो करना है, तो सबके अकाउंट इन्फॉर्मेशन में वो रिफ्लेक्ट होगा। टोटल डॉक्यूमेंट्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने कितने यूटिलाइज हुए, कितने रिपोजिटरी में है, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पर आप PDF और वीडियो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी अवेलेबल है। ये सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड में भी यूज में आएगी, जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, कितने यूजर्स आप बना सकते हैं, कितने बनाए हैं, कितने अलॉटेड डॉक्यूमेंट में से कितने यूटिलाइज किए हैं। सबमिशन ओवरव्यू मंथली, आपके जो यूजर्स है वो कौन से रेंज में चेकिंग कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाई देता है। सो अगर ये डेंजर जोन है, तो इतने डॉक्यूमेंट 62 वेरी मीन्स हाई पेनल्टी जोन में है, तो दैट एडमिनिस्ट्रेटर के पास उसका व्यू है। अकाउंट वैलिडिटीज, सिमिलर वर्क, ओन वर्क, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे काम हो रहे हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, ये इंफॉर्मेशन यूजर क्रिएट करना। अब यूजर को भी उसी तरीके से लॉग इन करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर। क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यूजर क्रिएट करते समय, योर नेम एंड ईमेल एड्रेस, कनेक्ट विद द एड कोऑर्डिनेटर, ताकि आपकी यूजर प्रोफाइल अगर बन सकती है तो वो बनाए। नेम आपने ऐड कर दिया, ईमेल एड्रेस आपने ऐड कर दिया, तो जो ईमेल एड्रेस है ना, इस पे एक बार एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट कर देता है ना यूजर, तो डायरेक्टली ड्रिलबिट की तरफ से एक ऑटो जनरेटेड ईमेल चला जाता है, दैट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज क्रिएटेड। आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ड्रिलबिट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो असिस्ट देम इन क्रिएटिंग द यूजर्स। डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन आप डालेंगे तो डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होता है, और ये सारे जितने अलॉकेट किए हैं उतने मेरे एथिकल यूज है, तो इस मतलब पैरामीटर से ही मुझे यूज करना है, इससे ज्यादा यूज नहीं करना है। मल्टीपल यूजर्स भी आप प्लस साइन से यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जो टेम्पलेट है उसमें आपने ये इंफॉर्मेशन डाल दी, एंड मल्टीपल यूजर्स क्रिएट हो जाएंगे और सबके पास एक ऑटो जनरेटेड ईमेल चला जाएगा। एक बार यूजर्स क्रिएट हो गए ना, तो ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड यूजर। वो छोड़ के सारी इंफॉर्मेशन एडिटेबल है, ठीक है, पर ये यूजर क्रिएट हो जाते हैं, ये एडिटेबल नहीं है ईमेल एड्रेस। एडमिनिस्ट्रेटर के पास आप कोई डेट पीरियड के बीच में किसी यूजर का डाउनलोड करना चाहते हैं रिपोर्ट्स, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर करके दे सकते हैं। रिपोजिटरी, यहाँ पर कुछ डाउनलोड नहीं होता है, इट जस्ट इज एडेड टू द डेटाबेस। पर एज जैसे यूजर कर सकते थे ना, एज यूजर कैन डिलीट इट, सेम एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑल्सो डिलीट इट।
इंटीग्रेशन लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसको इंटीग्रेट करना है, दैट ओनली द यूजर एडमिनिस्ट्रेटर कैन डू. यूजर में ये अवेलेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास अवेलेबल है. मल्टी फैक्टर सेटिंग्स, जो हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुरू किया है, तो इट यू कैन चेक योर ईमेल एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन कोड एंड दैट वे इट कैन बी मोर ऑथेंटिकेटेड, एक लॉग इन हो जाएगा. सो दिस इज इट. इफ देर आर एनी मोर क्वेश्चन, सो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. अगर आप पर्सनलाइज यूज कर रहे हैं, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, बट आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन दैट यू हैव. थैंक यू सो मच. प्लीज लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू कवर एनीथिंग वन मोर टाइम, तो हम वो भी कर सकते हैं. I can see in chat box. Yes, please let me know if there are any questions. Thank you for all the participants. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for a nice presentation. I have a question, ma'am. Since we are the users, so how can we come to know how many things are allotted to us? Suppose the students are sending for plagiarism checking and we are sending them back the reports, but we don't know how much we have been allotted and how much we have already used. Yes, ma'am, आपका जो administrator profile है, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत मतलब बहुत important aspect है to know कि में आपने कितना यूज किया है. तो जैसे आप लॉग इन करते हो ड्यूरिंग द इनिशियल, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है तो इनिशियल फेज में आपको एडमिनिस्ट्रेटर की क्रेडेंशियल्स देते हैं, उससे आपको लॉग इन करना है. अब आप कह रहे हैं कि जैसे स्टूडेंट्स आपके पास डॉक्यूमेंट भेजते हैं, आप उनको करके सेंड कर देते हैं, तो टू नो कि कितने अवेलेबल है, कितने आपने यूज किए है, आपको जाना है डैशबोर्ड पे. डैशबोर्ड में आपने कितने यूजर्स क्रिएट किए वो इंफॉर्मेशन, और आपको कितने अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है उसमें से आपने कितने यूज किए, ये आपको सबमिशन में मिलेगा. साथ ही साथ आपकी जो अकाउंट इन्फो है ना मैम, यहाँ पे भी वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल डॉक्यूमेंट, टोटल सबमिटेड, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी अवेलेबल है. बहुत बहुत अच्छी ग्राफिकल तरीके से आपको डैशबोर्ड में वही के वही मिल जाता है 75/200. तो मैं, मेरे पास 200 अलॉटेड है, अभी तक मैंने 75 यूज किए. सो मैम, विल दिस मींस इफ आई हैव यूज्ड ऑलरेडी 200, सो विल दिस बी अगेन अलॉटेड? मैम अगर आप इन्फ्लिपनेट के यूजर है, यस. सो मैम अगर आप इन्फ्लिपनेट के यूजर्स है, अगर आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो आप इन्फ्लिपनेट को कनेक्ट कर सकते हैं. अगर उनके पास अवेलेबल है तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं है तो आप ड्रिलबिट से एक एडिशनल उसके लिए सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं. और जैसे मैम आपने मुझे बताया कि आप इन्फ्लिपनेट के यूजर है, तो उनका और एक क्राइटेरिया है, वन डॉक्यूमेंट इक्वल टू 20 पेजेस. ओके. हमारे यहाँ पे 800 पेजेस की थीसिस एट अ टाइम अपलोड होती है, तो एट एनी गिवन टाइम अगर आप 800 पेजेस की थीसिस चेक कर रहे हैं तो आपकी 40 डॉक्यूमेंट्स मतलब 200 में से 40 डिडक्ट हो जाएंगे. तो ये इन्फ्लिपनेट ने क्राइटेरिया रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेजेस में वो डिडक्ट होता है और उन्होंने अलॉट किया है डॉक्यूमेंट्स में. एट एनी गिवन टाइम 20 पेजेस का तो आप यूज करिए ही, क्योंकि वो डिडक्ट उस हिसाब से होता है. तो मैम आपको अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो आप ड्रिलबिट के टीम से कनेक्ट कर सकते हैं. और इन्फ्लिपनेट के जो यूजर्स है वो जो यूजर है ना, फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्पेशल, ताकि वो रिसर्च को एडवांस कर सके. तो ये फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ही अवेलेबल है, उनकी जो रिसर्च के लिए अवेलेबल है. अगर आपको आपके यूजी के लिए, मास्टर्स के लिए चाहिए, तो आप एडिशनल सब्सक्रिप्शन जो है ड्रिलबिट को कनेक्ट करके कर सकते हैं. Okay, thank you.
यस हेलो यस मैम, यस मैम. मैम, दिस इज वंदना खंडेलवाल फ्रॉम MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग. आई हैव अ क्वेश्चन. यस मैम, वेलकम. नाउ डेज द यूज ऑफ AI एंड चैट जीपीटी इज इंक्रीजिंग. कैन दिस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट प्लेगरिज्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट विथ AI एंड चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी? यस यस मैम, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मैम, जैसे वी राइट अवर डॉक्यूमेंट, तो हमारा जो यहाँ पे प्लेगरिज्म, आई विल स्विच टू यूजर, जो हमारा यहाँ प्लेगरिज्म हम इस फोल्डर से चेक करते हैं. फर्स्ट माय फोल्डर, फोल्डर बना लिया, उसके बाद हम फोल्डर के अंदर सबमिट करते हैं फॉर इवेल्युएशन. ये ओके जो ऑनलाइन रिपोर्ट है मैम, इस ऑनलाइन रिपोर्ट में हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है कि सोर्सेस का. यहाँ पे आप देखिए, ये है AI. हमारे ओके जो ड्रिलबिट सॉफ्टवेयर में है, यहाँ पे ये फीचर हमने हमारे सारे यूजर्स को प्रोवाइड किया है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं. इस पर जब ओके आप करेंगे ना मैम, तो जो भी आपका AI असिस्टेंस का है, तो इस तरह से आएगा. ये AI का कोई UGC ने गाइडलाइंस नहीं दी है राइट करेंटली, तो इट राइट वर्क ऑन एक्यूरेसी. तो जितना ज्यादा ये परसेंटेज होगा, 60 50, तो उस हिसाब से उतना ज्यादा AI का असिस्टेंस है. फिर आप चाहे वो ओके क्वेरी हो, चैट जीपीटी हो, AI जनरेटेड डेटा, यहाँ पर आपको इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो ये ओके AI के मैम, लिए. यस ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. एनी मोर क्वेश्चंस? आई विल बी हैप्पी टू आंसर. मेरा यस सर, यस सर. नाम नमस्कार. उमाकांत यस यस सर. है और मैं जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि सिमिलरिटी का मतलब प्लेगरिज्म नहीं होता, यस सर, और बिल्कुल. यहाँ पे ये जो ड्रिल बीट है, ये प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग टूल हो सकता है, लेकिन यहाँ मेनली हम लोग सिमिलरिटी ही चेक कर रहे हैं. जैसे यस मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हमने एक डॉक्यूमेंट चेक किया था टर्निटी से, वहां पे यस परसेंटेज 12 था सिमिलरिटी परसेंटेज. यस देन ये सेम डॉक्यूमेंट को जब ड्रिल बीट पे चेक किया तो यही परसेंटेज 24 होकर था. तो क्वेश्चन ये यस है कि ड्रिल बीट में बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि सिमिलरिटी में कंसिडर कर लिए जाते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इवन हाँ, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन साइकोलॉजी. और आपने यस बताया कि टोटल यहाँ पे 15 फ्रेजेस हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं. यस सर, और बिल्कुल. हम कोई आर्टिकल पब्लिश करने जा रहे हैं, सॉरी चेक करने जा रहे हैं, तब तो ठीक हाँ है, 15 फ्रेजेस हम एक्सक्लूड करें, मान ठीक है, सफिशियंट है 15 फ्रेजेस. लेकिन जब हमको डिजर्टेशन चेक करना है, वहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेजेस ज्यादा होंगे. जब हम थीसिस चेक करने जाएंगे, वहां भी नंबर ऑफ फ्रेजेस बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां पर 15 फ्रेजेस को एक्सक्लूड करने से काम नहीं चलेगा. वहां पे यस हमको ज्यादा फ्रेजेस एक्सक्लूड करने होंगे, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? हालांकि आपने बताया कि यहाँ पे जो सोर्सेज हैं, तो जिन सोर्स जो सोर्सेज जो है, जहाँ पे सिमिलरिटी लेस देन 1% है, उनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. लेकिन यस फिर ये यस माना जाता है कि आप जो है सोर्सेज को एक्सक्लूड नहीं करिए, क्योंकि यह ठीक नहीं माना जाता है यस ना? यस ये दोनों चीजों में हम बैलेंस कैसे बिठाए, पहली चीज. दूसरी चीज की विश्व भारती ने जो हम लोग को प्लेगरिज्म अचीव करने के लिए अकाउंट प्रोवाइड किया है, वहां यस पे टोटल 30 डॉक्यूमेंट हम चेक कर सकते हैं. जबकि ओके आपने अभी बताया कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, इस तरीके के डॉक्यूमेंट हम चेक कर सकते हैं. सवाल यह है कि 30 डॉक्यूमेंट से हमारा काम चलेगा नहीं, है यस ना? ये यस नंबर ऑफ अलॉटेड डॉक्यूमेंट ज्यादा होने चाहिए. जैसे पहले हमारे पास उर्कुंड हुआ करता था, तो उर्कुंड में इस तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं था कि आप 20 डॉक्यूमेंट चेक करेंगे. तो ये मुझे लगता है कि एक इंक्रीज होना चाहिए. और जो मेरा पहला जो क्वेश्चन था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड वाले चलिए आप बता कि परचेज किया जा सकता है या सब्सक्राइब किया जा सकता है, लेकिन पहला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा मेजर कंसर्न है कि थीसिस और डिजर्टेशन जब हम चेक करने जाएंगे तो फिर हमारे पास उपाय क्या है. और एक और क्वेश्चन है कि क्या आर्टिफिशियल AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे हमको हेल्प लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जैसे यहाँ पे यस सिंगुलर इंटेलिजेंस तो 11% है,
लेकिन एआई परसेंटेज 22%। तो यस यस सर, बेसिकली मेरे ये तीन क्वेश्चन थे मैम, थैंक यू सो यस मच। सर, थैंक यू सर। सर आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच करते हैं, और हमने थोड़ा बहुत उसको ओवरव्यू भी किया है हमारे सेशन में। तो सर ये जो सिमिलैरिटी परसेंटेज है, ये मैच अपॉन टोटल वर्ड्स है, जिस तरीके से हमने कहा कि ये प्लेगरिज्म नहीं है, पर ये हमारे को सपोर्ट करता है टू इवेल्युएट प्लेगरिज्म। अब अगर हमें सर बताना है कि ये प्लेगरिज्म है कि नहीं है, तो हमें प्लेगरिज्म डिटेक्ट सॉफ्टवेयर का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक होता है ना कि एंड पे हमें 10 स्टेप पार करने हैं, तो पहला स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा, दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा, फिर फाइनल पे हम पहुंचेंगे। तो उस तरह का है सर कि भले ही जो हमारे सॉफ्टवेयर्स है प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग के, वो आपको कंफर्म नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक एआई जनरेटेड चीजें हैं जो आपके असिस्टेंस के लिए बनाई गई है। एंड का जो ह्यूमन है, ह्यूमन्स को डिसाइड करना है, क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस है ये हम सुपीरियर रखते हैं ओवर द सॉफ्टवेयर्स। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने बनाया बताया है सिमिलैरिटी रिपोर्ट। हमारी जो इंटेलेक्चुअल है, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल है, उसको अब उसको एनालाइज करके एक प्लेगरिज्म का उसको रिमार्क देना है। और बिना प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर के यूज करके हम ये स्टेप नहीं कर सकते, क्योंकि मैन्युअली सर ये अगर मैं मैन्युअली करने जाऊँ ना, ये एनालिसिस जो सोर्सेस के हैं वो बहुत मतलब नियर टू बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। पहले अलग बात थी, अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा चीजें पब्लिश की जाती है और उसको पब्लिशिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उस इसीलिए प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलैरिटी जो रेंज है वो आपको यहाँ मिल जाती है, आपको ये जो एक्सक्लूड करना है सर। अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो कहा है कि थीसीस और पब्लिकेशन में, ये जो सर सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स आपको दी है यूजीसी का जो गाइडलाइंस है, वहां से ये सेटिंग्स आती है। तो जो एथिकल और नॉट एथिकल का जो बॉर्डर है, वो यूजीसी ने हमें दे दिया है कि आप क्या क्या एथिकल लेवल पे जाकर कर सकते हैं। उसके पीछे भी सर रीजन है, उसके पीछे भी रीजन ऐसा हो जाता है कि कभी कभार जो आपने कहा है कि ये तो प्लेगरिज्म नहीं है, पर फिर भी जैसे फॉर्मूला, इंस्ट्रूमेंट नेम ये आ जाता है, इसीलिए वो रेंज उन्होंने रखी है ताकि हम एथिकल लेवल पे रह सके। अब आप अगर थीसीज लिख रहे हैं सर, तो उसके लिए आप एक सेटिंग रखिए जो आपके यूजीसी और आपके विश्वविद्यालय को मिलकर आपने गाइडलाइंस बनाई है, उसको आप फॉलो करिए। आप जब पब्लिश करने जाते हैं, तब मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो सेटिंग है ये आप नो रखिए। तो जब आप नो रखेंगे तो 5 वर्ड्स को पकड़ा जाएगा फॉर सिमिलैरिटी परसेंट। अब 5 जो वर्ड्स है वो सबसे कम वर्ड है एक सेंटेंस बनाने के लिए, तो इसको अब रिड्यूस करके मुझे लेवल 0 पे लेके आना है ताकि मैं इसको पब्लिश कर सकूं। थीसिस बहुत लंबा होता है सर, इसीलिए थीसिस के लिए थोड़ा सा जो फ्रेजेस भी आपने कहा कि सेटिंग्स में फ्रेजेस थीसिस में बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए थीसिस में ये चेंजेस है कि 14 वर्ड्स को पकड़ा जाता है। थीसीज में कुछ आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ये चीजें आप यहाँ पे थीसीज में एक्सक्लूड कर सकते हैं सर, क्योंकि थीसीज 800 पेजेस की भी हो सकती है, 500 पेजेस की भी हो सकती है, ये एक तरह का इंटरनल चीज होता है जो आप आपके गाइडलाइंस पर। जब आप पब्लिश करने जाते हो तब सर वो जो 15 फ्रेजेस है ना बहुत यूजफुल होंगे, साथ ही साथ ये जो नो का ऑप्शन है ये बहुत यूजफुल रहेगा सर। ऐसे निकिता, 1 मिनट, मैं ऐड करना चाहूँगा एक पॉइंट। सर का एक क्वेरी था ना, सर आपका एक क्वेरी था कि परसेंटेज का वेरिएशन आ रहा था, राइट? यस यस सर, देखिए हाँ, काल नीति, हाँ काल नीति और ग्रीनबिट के परसेंटेज राइट, अब वेरिएशन वेरिएशन सर, अगर आप है, इधर बहुत ज्यादा शुरू। देखिए, अभी आपने कहा कि मैंने कि थीसिस, डिजर्टेशंस और पब्लिकेशंस, तीन चीज़ें, तो निकिता ने ये चीज़ तो क्लियर कर दिया सर कि पब्लिकेशन में हमें नो लेना है, सो दैट कि आपका 4 to 5 वर्ड जो होगा कंटिन्यूअस में वो उसमें आएगा, ठीक है?
थीसेस में 14 कंसेक्यूटिव वर्ड्स आएगा। थर्ड जो डिजर्टेशन से वो तो आप चेक कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि वो इन्फ्लिमिटेड ने दिया नहीं है। उसके अलावा जो वेरिएशन जो आता है सर, मैं बता रहा हूँ वेरिएशन क्यों आता है। यहाँ पे निकिता आप यहाँ पे एरो पे जाइएगा सोर्सेस में, यहाँ हाँ पे इन्फॉर्मेटिक्स जर्नल्स डॉट कॉम एरो पे जाइए, राइट हैंड साइड एरो पे, नहीं यार, यस 5% हाँ 5% के बगल में। अच्छा ड्रॉप डाउन हाँ सर, ये देखिए, ये जो पब्लिकेशंस है, ये पब्लिकेशंस मेजरली जो पब्लिश हुआ है 99 to 100% ये यहाँ पब्लिश हुआ है, और ये साथ में कुछ कुछ परसेंटेज इन इन सब जगह पे भी पब्लिश हुआ है। तो होता क्या है, जो टर्निटिन क्या करता है और ड्रिलबिट में क्या डिफरेंस है सर, हम लोग उस चीज को भी कैप्चर करते हैं कि जहाँ वो माइनर 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 चीजें पब्लिश होती हैं, तो हम लोग उन सब चीज को भी कैप्चर करते हैं। साथ में जो मेजर कैप्चर, जो मेजर से जहाँ पब्लिश हुआ होता है उसे कैप्चर करते हैं। बट टर्निटिन क्या करता है, वो सिर्फ मेजर कैप्चर करता है, वो माइनर जो भी होता है वो मल्टीपल प्लेसेस पे जो पब्लिश होता है वो कैप्चर नहीं करता है। इसलिए वेरिएशन वेरिएशन ड्रिलबिट में ज्यादा आता है सर। और अगर ज्यादा आता है तो ये एक अच्छी बात है सर, सो दैट कि मान लीजिए एक रिसर्च स्कॉलर है, अब कल के डेट में वो एक आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता है, और वो आर्टिकल में सपोज 20% आया, बट वो जर्नल जो है या पब्लिशर जो है वो क्या कहता है, यू नो वी वांट दैट, वी वांट दिस जर्नल टू बी और आर्टिकल टू बी लेस देन 10% और 5%। हर एक पब्लिशर, हर एक जर्नल्स का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, का सभी का सेम नहीं होता है। इंडिया में सर कई जगह 10 होता है, फॉरेन में कई जगह 5 ही होता है, कई जगह 7 होता है, कई जगह 15 होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पब्लिशर और जर्नल टू जर्नल। तो इस केस में अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, आप रिवर कर सकते हैं उस आर्टिकल के ऊपर, एंड देन यू कैन सेंड दिस टू द पब्लिकेशन जर्नल्स के पास या पब्लिशर्स के पास, और तब वो चेक करेंगे आपका जर्नल पब्लिश होगा। सेम सिनारियो में कई जगह ऐसा हुआ है कि टर्निटिन से उन्होंने चेक किया है और दे हैव रिजेक्टेड द आर्टिकल्स। एम आई क्लियर सर? क्या ही बोला पूछ लीजिए सर कुड यू दूसरा एक प्लीज। क्वेश्चन सर आ गया था कि एआई से क्या हमको हेल्प देना चाहिए या नहीं, क्योंकि 22% शो कर रहा है हमको ये निकिता आप एआई। बताइए आप। यस यस थैंक यू। जो एआई का फीचर है मैं आपको बता दूं कि एआई से जब आप सपोर्ट लेते हैं सर, अब आपने ये भी हाईलाइट किया था कि इस रिपोर्ट में ये 11%, ये 21% है या पहले 11 था, ये सर टेक्स्ट के लिए है जो बच्चे ने या मैंने प्रिंटेड इसमें से कॉपी पेस्ट किया है, ये परसेंटेज उसके लिए है, सिमिलैरिटी मैच वर्ड्स टोटल वर्ड्स, और ये जो परसेंटेज है ये टोटल अलग है। अगर मैंने क्योंकि रिसेंटली अभी मैं एक आफ्टरनून में सर से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि थीसीज लेते हैं और थीसीज को कोई टेक्स्ट अगर हो तो उसको रीराइट कर देते हैं, चैट जीपीटी को कहते हैं कि आप इसको रीराइट कर दो, तो वहां पर तो सिमिलैरिटी परसेंटेज जीरो आ जाता है। पर जो एआई का जो सपोर्ट होता है ना, क्योंकि उन्होंने एआई को कहकर उसको रीराइट करा है, तो ये यहाँ पर 80 to 90% आ सकता है, क्योंकि आज के हमारे जो यंग बच्चे हैं, नॉट आई वोंट से द रिसर्चर्स, हम तो रिसर्चर्स में तो काफी हम एडवांस हो जाते हैं, पर जो यंग बच्चे होते हैं बैचलर्स में वगैरह जो एआई से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, वहां पर वो खुद से तो नहीं लिख रहे पर कंप्लीटली एआई को कह रहे कि आप ये टेक्स्ट मुझे रीराइट करके, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स में तो आजकल 10th के भी बच्चे बहुत यूज करते हैं, तो वहां पर ये फीचर बहुत यूजफुल होता है। ये परसेंटेज अलग है जिसमें हम इंटरनेट के डेटा से लेकर खुद के शब्दों में खुद से ना लिखते हुए वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये हम एआई को कमांड कर देते हैं चैट जीपीटी को कि रीराइट करो, तो उस इसमें ये जो रिपोर्ट है ये मैं बता दूं इस तरह से आएगी। ये जो हाइलाइटेड टेक्स्ट है सर, यहाँ से दिख रहा है कि ये एआई से कंटेंट लिया गया है। अब ये 22% है, आपने कहा कि अगर एआई से लिया है कि तो ये 22% का क्या मीनिंग हो गया,
तो सर एआई का जो है ना, यूजीसी का कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो ये जो एल्गोरिदम पकड़ कर एआई का कितना सपोर्ट है, 0%, 5%, 10%, 20%, 100%, वो परसेंटेज के हिसाब से, जितना ज्यादा परसेंटेज होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी होता है। तो अगर ये 80-90% आ रहा है, इसका मतलब 80-90% ऑफ एआई जनरेटेड का इन्फ्लुएंस है। तो अगेन आई एम श्योर सर, जिस तरह के हमारे टेक्स्ट के लिए गाइडलाइंस है, कि आपने ये भी हम मुझे पूछा था कि एआई से लेना एथिकल है कि नहीं है, सर ये बात सेम कॉन्सेप्ट पर है। कोई भी चीज कॉपीस्ट करना एथिकल नहीं है। अपने शब्दों में उसको लिखने का मतलब यह हो जाता है कि हम उसको समझ रहे हैं और अपना प्रस्पेक्टिव उसको दे रहे हैं, तो वो प्रस्पेक्टिव आना बहुत जरूरी है। कंप्लीट कॉपी पेस्टिंग एआई से अनएथिकल है। तो वही हम इधर भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप असिस्टेंस लीजिए, आपको कोई चीज समझनी है तो आप एआई को असिस्ट कीजिए, ये एंड यूजर का उसका डिसीजन है, वो एंड यूजर पे। बट आप कंप्लीटली अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ये साइंटिफिक में, पब्लिशिंग में हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हमने उसको ड्रिलबिट में भी हमने उसको बहुत इजीली ऐड किया हुआ है, ताकि हमारे कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो, और ये एआई असिस्टेंस उसके लिए है। जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑफ एआई है, देन यू कैन रेक्टिफाई राइट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन पब्लिश इट। सो थैंक यू सर। सर के जो क्वेश्चंस थे, दैट हैज हाईलाइटेड ऑन मेनी एस्पेक्ट्स, सो आई एम श्योर कि हमारे यूजर्स के बहुत सारे क्वेरीज सॉर्ट हो गए होंगे। थैंक थैंक यू सो यू सर, एक्सक्यूज थैंक मी यू। मैम. यस यस मैम। हाँ एक्चुअली हम उमागांत सर के ही स्कॉलर हैं. सर जो बता रहे थे ना कि एक ही पेपर का दो रिजल्ट आ गया था, वो मेरा ही वाला था. उर्कुन में हाँ उसका रिपोर्ट आ रहा था 5% और आपका ड्रिल बिट में वो आ गया था 18%. तो ओके हमने ठीक है, अब आप ये बताइए, ये तो बार बार करना पॉसिबल नहीं है ना. आप जो बता रहे हो सिमिलरिटी इंडेक्स सब हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन ड्रिल बिट तो हाँ सबके पास नहीं होता है. देन दे सेड दे यू हैव टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ उर्कुन, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड योर वन. यस मैम, ठीक आप है, किसका कह रहे हो? आप इंटरनल के लिए कह रहे हो कि वो उर्कुन रिपोर्ट मांग रहे हैं? हाँ हाँ जी, वो लोग उर्कुन के फिर रिपोर्ट हमसे मांगे थे. ओरिजिनल तो आपके रिपोर्ट था. आपका एकेडमिक, स्कॉलर है हम अभी. हाँ, तो ये नहीं, रिपोर्ट मांग रहे हैं मैम, ये मैं आपको पूछ रही हूँ। एक पेपर सबमिट करना था. ओके ओके मैम ये कब की बात है मैम? लास्ट मंथ मैम, ये आपने इंटरमीडिएट में सबमिट किया था? हाँ, आपने कहाँ सबमिट किया था मैम? मेरे को वो सबमिट करना था एक जर्नल में. अभी मैम जर्नल में अभी आप जर्नल में कहीं भी आप सबमिट कीजिएगा ना मैम. ऑर्कुंड हैज बीन टेक ओवर बाय टंडटिन, तो वो दो ही चीज बोल सकते हैं, या तो आप ड्रिलबिट का रिपोर्ट सबमिट करो या टंडटिन का रिपोर्ट सबमिट करो. नहीं, उन्होंने मुझे नहीं, अभी तब वो था ना, ओरिजिनल था ना उर्कुन, फिर ओरिजिनल बिट। ओरिजिनल मैम ऑर्कुंड 30 30 सितंबर तक था मैम. 30 सितंबर के बाद ऑर्कुंड रिमूव्ड हो गया मैम. फिर वो 38 सितंबर ओरिजिनल, ओरिजिनली 38 सितंबर लास्ट था मैम, उसके बाद वो नहीं था. हाँ तो वही तो, मतलब लास्ट हमको दिसंबर में उनका रिपोर्ट आया था, तो हाँ और तो आप लोग का अभी अभी अब देखिए, आप कह रही हैं 5% आउटकुन में आया था, 18% इसमें आया था, तो हाँ मैम हाँ इसमें नहीं, डिफरेंस आपको, क्या? आप तो ये लोग, ये आप लोग बता रहे हो कि ये सिमिलरिटी है ना, तो सिमिलरिटी जो है उसको फिर, मतलब एक जर्नल तो प्लेगरिज्म चाहते हैं ना, कि हाउ मच इट इज, मैम यस यस प्लेगरिज्म और सिमिलरिटी में आप कैसे डिफाइन डिफरेंस करेंगी? आप है कैसे वो डिफाइन डिफर, करेंगी मैम? तो ये तो बढ़ जा रहा है ना बहुत। तो मैम अगर मैम सोर्सेस अगर सोर्सेस ज्यादा रहेंगे मैम, ऑब्वियसली बढ़ेगा ना मैम. अगर अगर हम लोग एक मतलब रिव्यू बेस्ड पेपर लिख रहे हैं, वहां पे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि आपका जो रिपोर्ट है ना वो मेरे पास है, तो उसमें इतना छोटा छोटा टर्म आप लोग ले रहे हो ना, क्या बताए। मतलब देखिए, मेरा जैसे इंक्लूसिव पे है, जैसे मेरा मेरा एक है स्पेशली एबल चिल्ड्रन, 3 वर्ड्स है एक पेपर में, 3 वर्ड्स तो लेना ठीक है, तो ये तो बार बार मेरा थीसिस में आ तो रहा है। उस चीज को रिमूव मैं करने के लिए अभी हमारी कलीग ने एक ट्रिक आपको यस बताया ना मैम, वो ट्रिक बताया ना जो फ्रेजेस वाला बताया था अभी ना, हाँ, ये अगर जो आपको लग
जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देती हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि ये बहुत कम है, तो ये हमारे जो ड्रिल बिट है ना, इसमें आपको एडवांटेज मिलता है कि आप बहुत सिक्योर हो सके. अब देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने एक प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग से चूज कर चेक करके आपको एक रिजल्ट आया. आप कह रहे हैं कि ड्रिल बिट में आपको 18% मिला, बिकॉज आपकी उस 18% में बहुत छोटे छोटे टर्म्स भी इंक्लूडेड है. तो जब आप देखते हैं ना मैम ये रिपोर्ट में, तो यहाँ पे आप देखिए 5%, जो इतना ज्यादा कंटेंट, तो वहां पर आपको 5% हाईली प्लेगराइज, तो इसको तो काम करना ही है. पर अगर आपके रिपोर्ट में इस तरह के लेस देन 1% है, जिसमें बहुत छोटे वर्ड्स है, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है मैम, आपको इससे एडवांटेज ये मिल जाता है कि या तो आप इसको रेक्टिफाई करिए, या आप अगर आप इसको कोई और शब्दों में लिख सकते हैं, तो वहां पे इमीडिएटली आपका प्लेगरिज्म कम हो जाएगा, या आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, तो आपका अगेन यहाँ पे परसेंटेज कम हो जाएगा. जितना निकिता, ज्यादा एक बार आप ऊपर ले जाइए, सोर्सेस पे ऊपर ले जाइए, यस एक बार यस ऊपर ले जाइए, मैं मैम को दिखा देता हूँ। मैम ये देखिए 5% है ना, इसके नीचे निकिता नीचे लाइए थोड़ा सा, हाँ फाइव यस बस, और नीचे लाइए 5, 3, 8 to 10, 11, 12, 12% है मैम। उसके बाद 9% लेस देन 1 है, अब लेस देन 1 और नीचे ले जाइए, पूरा नीचे डाउन ड्रैग डाउन कर दीजिए आप, और डाउन कीजिए, और डाउन एकदम लास्ट तक ले जाइए। अब देखिए मैम 82 तक है यहाँ पे, अब 9% सिर्फ नॉर्मल जो हमने काम किया था वो दिखा रहा है, 60, 70 जो सोर्सेज ऐसे हैं जो लेस देन 1% है, और वो सब कंबाइन करके 21% आया है। तो लेस देन 1% पे तो दो फीचर्स है मैम, एक तो आप बहुत सारे लेस देन 50, 60 होगा तब वो 1%, 2% कैरीज करता है। सेकंड, ये जो फ्रेजेस का ऑप्शन यहाँ राइट हैंड साइड में जो सेटिंग्स के बगल में निकिता ने बताया ना, अभी हमारे कलीग ने, यहाँ पे अगर 3 डाल देंगी, 3 डालिए और सबमिट कीजिए। तो ये इस तरह का रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये 3 वर्ड्स के जो आपको फ्रेजेस मिलते हैं, More than 3 words. या मोर देन 3 वर्ड्स, सो एक बहुत अच्छे से सेंटेंस बन जाएगा. मैं 4 या 5 जो हमारा मिनिमल है, मैं हमेशा 5 रखती हूँ. सो दैट वे मैम देर आर हाँ वेरियस वेज टू रेक्टिफाई द रिपोर्ट. अब आपने कहा मैम, आपने कहा कि आप हम दे रहे सिमिलैरिटी रिपोर्ट, हर एक प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर आपको सिमिलैरिटी रिपोर्ट ही दे रहा है, क्योंकि जो प्लेगरिज्म है वो आपको एनालाइज करना है फ्रॉम द सोर्सेस, रेक्टिफाई करना है फ्रॉम द सेटिंग्स, ताकि आप जब पब्लिश करते हो नेचर जैसे पब्लिकेशन में भी आप पब्लिश करने जाओगे, तो यू कैन बी वेरी अश्योर्ड कि वहां पर मेरा प्लेगरिज्म की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सोर्सेस थे हर एक चीज में आपने काम किया. इवन लेस देन 1%, इवन 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स का हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप उसको अपने शब्दों में लिखिए, सो दैट आप जब पब्लिश करने जाते हो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो मैम जो आपको इश्यू लग रहा है, वो मैं आपको कहूंगी एज अ स्कॉलर इट्स एन एडवांटेज, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती है, ऑल दिस माइन्योर चीजें बहुत मैटर करती है इन लॉन्ग रन. कि भले ही आप अभी 5% पे पब्लिश कर दें, कल चल के अगर कोई रिपोर्ट इस तरह से आती है कि आपका 5 नहीं है, ड्रिल बिट जो कह रहा था वो सही था, तो इन लॉन्ग रन इट इम्पैक्ट्स. बट अगर आपको ड्रिल बिट 18% दे रहा है, इट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई एवरी माइनर डिटेल, ताकि कोई तरह का मैच कॉन्टेंट आपसे वापस मिल ना सके इन अ लॉन्ग रन. मे बी आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो आई थिंक मैम कि आई होप वी हैव ओके सॉल्व द इश्यू. ओके ओके थैंक यू थैंक यू. ओके थैंक यू थैंक यू. तो सब यस सर, वी हैड अ वंडरफुल डिस्कशन. आई थिंक वी हैव अ वंडरफुल सेशन, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर सनत भट्टाचार्य, इंचार्ज ऑफ साइंस लाइब्रेरी, गुड इवनिंग मैडम. सो गुड इवनिंग. आई सनत भट्टाचार्य जी ऑन बिहाफ ऑफ विश्व भारती लाइब्रेरी नेटवर्क एंड द एंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एक्सटेंड माय मोस्ट सिंसियर थैंक्स फॉर मेकिंग टुडेज इवेंट ए रिसाउंडिंग सक्सेस. एन इवेंट लाइक दिस कैन नॉट हैपन ओवरनाइट.
The wheels start rolling 2 months ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our institution who are well-versed in their job. Today, we had an opportunity to hear Ms. Niketa and Mr. Aves thoughts about Drillbit, and this will surely be going to encourage us in our future events. My gratitude to all the speakers and participants for gracing the occasion and sharing their opinion today. A special mention to our university librarian, Dr. N.C. Saha, for being the catalyst that stimulated us and standing us a pillar of strength. We thank Dr. Saha for their untiring efforts. I would also like to thank the people who work behind the scene to make this event happen, our technical arrangement team and housekeeping staff. Thanks to all of you. Thank you. Good evening. Thank you, Sonakda. Thank you, sir. We are closing.